स्नान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एहतजाज करने वाले किसानों को मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे की जानिब से गाड़ी से कुचल देने के वाकये में कई किसान हलाक हो गए थे। इस वाकये के खिलाफ शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर कांग्रेस की जानिब से खामोश एहतजाज किया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने इस एहतजाज की क़यादत की। इस एहतजाज में कांग्रेस के कई लीडर्स और वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने शहर हैदराबाद की कुत्तापेट फूड मार्केट को कोहिरा में शिफ्ट करने पर तवज्जो मरकूज कर दिया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर निरंजन रेड्डी ने वाजे किया है कि शहर के इलाके हयात नगर के बाटा सिंगरम लॉजिस्टिक पार्क में दशहरे से खरीदारी का आगाज कर दिया जाएगा। शहर हैदराबाद की गलियों और मोहल्ले में फ्रूट तरकारी बेचने वालों के अलावा दूसरे कारोबार करने वाले ठेला बंडी वालों की जानिब से आवाज लगाने के बजाय लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जीएचएमसी की जानिब से ठेला बंडी वालों की जानिब से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के सिलसिले में प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि शहर के कई पौश इलाके के रहने वालों की जानिब से मुसलसिल इस बात की शिकायत मिल रही है। शहर हैदराबाद के कुगटपल्ली इलाके में पेश आए अफसोसनाक वाकये में एक शख्स ने अपने सास और ससुर को जिंदा जला देने की कोशिश की। मुलजिम साई कुमार कुछ अरसे से अपनी बीवी निकिता को मजीद जहेज के लिए हरासमेंट कर रहा था। निकिता की जानिब से पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाने और निकिता के घर से चले जाने पर वो बरहम हो गया था। साई कुमार ने सास और ससुर पर इनके घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। चंदनगुट्टा पुलिस के मुताबिक जहांगीराबाद के रहने वाले शेख जफर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि इनका छोटा भाई 16 साल शेख अजहर 7 अक्टूबर को घर वालों को इतला दिए बगैर घर से निकला और वापस नहीं लौटा, जिस पर पुलिस ने किडनैप केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के गाड़ियों के काफिले की एक कार की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। ये हादसा जिले मेदक के मनोराबाद मंडल में पेश आया। टक्कर के नतीजे में ये शख्स शदीद जख्मी होने की वजह से मौके पर ही हलाक हो गया। बेटे की सड़क हादसे में मौत पर इसकी लाश को देखकर दिल का दौरा पड़ने से बाप की मौत हो गई। ये इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के ज़िले नलगोंडा के मिर्यालगुड़ा के पास पेश आया। ज़िले के तड़कमला गांव के किसानों की एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी इंदिरा रेड्डी का बेटा हैदराबाद में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। तेलंगाना के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक रियासत में 2,78,00,000 से ज़्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन दे दी गई है। एक अंदाजे के मुताबिक रियासत में 18 साल से ज़्यादा उम्र के 2,87,00,000 अफराद हैं। हुकूमत ने खुलासा किया कि रियासत भर में 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा ने हलफ लिया। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर सौंदरा राजन ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव, मिनिस्टर स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली और दीगर की मौजूदगी में इनको राजभवन के गार्डन में मुनक्किद की गई सदा तकरीब में हलफ दिलाया। स्पेशल सेक्रेटरी इरिगेशन तेलंगाना रजत कुमार ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दरियाओं के पानी पर जारी किए गए गजट पर इस महीने की 14 तारीख से अमल दार अमद होगा। उन्होंने मुतालिबा किया कि गजट नोटिफिकेशन पर अमल को कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन किया जाए। खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, इसके 4 लेयर
जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।